गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मोनिका शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। एज यू नो, यस्टरडे वी डिड ग्रामर सेक्शन सेंटेंस। ओके, व्हाट आर सेंटेंसेस? इन दिस सीरीज टुडे वी विल डू इट्स सेकेंड पार्ट। मीन्स हमने कल सेंटेंस किया था। सेंटेंस में आपने क्या देखा, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? सिंपल, मिक्स एंड कंपाउंड, वो तो हमने कर लिया था। लेकिन उसके अलावा मिक्स जैसे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में भी आगे इसकी टाइप्स, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सिंपल स्टेटमेंट बताते हैं किसी को, कुछ होते हैं जैसे नेगेटिव हो गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं खेल रहा हूँ, आई प्ले या आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेलता हूँ, ये हो गया सिंपल। इसमें मैं किसी को कुछ बता रही हूँ। एक हो गया, इसी को अगर मैं दूसरा करूँ, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता। फर्स्ट में मैंने करा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। सेकेंड में मैंने करा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता। एक में मैंने ऐसे पूछा, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये भी एक अलग सेंटेंस हो गया ना। तो सेंटेंस के ये प्रकार हैं अलग अलग, कि वो तो हमने उनके टाइप किए थे कि कितनी तरह के सेंटेंस होते हैं, बट उन सेंटेंसेस में भी कितनी तरह के सेंटेंस उनके आगे हो सकते हैं, आज हम ये करेंगे। तो क्या है द फोर इंग्लिश सेंटेंस टाइप्स, इनको आप टाइप बोल सकते हैं या फॉर्म्स भी बोल सकते हैं। देखिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस क्लासिफाइड बाय देयर पर्पस। पर्पस मतलब उनका कारण के आधार पर, पर्पस क्या है उनका, उनका उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर हम चार भागों में बांट सकते हैं सेंटेंस को। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में होता है डिक्लेयर, हम जैसे बोलते हैं ना, डिक्लेयर कर दिया, मैंने किसी को बता दिया, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट होता है कोई बात कहना, स्टेटमेंट कि मैंने स्टेटमेंट दे दी, मैंने अपना वक्तव्य दे दिया, तो ये होता है, इसको या तो स्टेटमेंट बोल देंगे या बोल देंगे डिक्लेरेटिव। सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव में होता है हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो सारे सेंटेंस किस में आ जाते हैं, इंपेरेटिव में। इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहेंगे, इंपेरेटिव। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटिव। एक्सक्लेमेटिव जैसे हम सडन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं कि वाह कितना सुंदर फूल है, अरे कितनी गंदगी है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपनी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो है एक्सक्लेमेटिव। तो क्लास चार तरह के, चार टाइप के, ये चार फॉर्मेशन के आधार पर ये सेंटेंस हैं, तो इनको आज हम करेंगे नंबर वाइज। नंबर वन है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव में क्या है, मतलब स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको भी बताया। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, मतलब वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, वो सिंपल सीधा सेंटेंस है, उसमें हम क्या कहेंगे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दे टेल अस समथिंग, अभी मैंने आपको बताया ना कि वो हमें कुछ बताते हैं, कोई उसमें ऑर्डर नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेशन नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल सीधे हैं, तो वे हमें कुछ बताते हैं। दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप और पीरियड। फुल स्टॉप को हम क्या बोलते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो जिसमें कुछ बात कही गई हो और वो हमें कुछ बताएं, और वो जनरली किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, अब आप एक 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 करेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, ये ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए, द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। वर्ड ऑर्डर मतलब जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। ओके, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका इसका ऑर्डर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाकी जो चीजें हैं वो। तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमने कह दिया भाई हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो देखिए ऐसे सेंटेंस जो हमें कुछ बताएं तो वो हो गए डिक्लेरेटिव।
अब ये जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ओके। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो टाइप, इनमें दो होते हैं, दो पॉजिटिव और नेगेटिव, दो तरह के हो सकते हैं। अगर नेगेटिव वाला है तो भी वो डिक्लेरेटिव ही कहा जाएगा। अब देखिए पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी। अब देखिए पॉजिटिव क्या हो गया, आई लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें सिंपल सीधा बताया हुआ है, स्टेटमेंट है, वो हमें बता रहा है आई लाइक कॉफी, तो ये क्या हो सकता है, इसका ये पॉजिटिव हो गया, और इसमें क्या हो गया नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट लाइक कॉफी, ये नेगेटिव हो गया, मतलब इसमें बता रहे हैं हम किसी को कुछ। आई वॉच टीवी लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट टीवी देखा, आई डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट, इसमें बता रहे हैं हम किसी को, स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक सिंपल सीधा सेंटेंस बता रहे हैं, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव को फॉर क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, ओके। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स हम जिसमें कोई क्वेश्चन पूछते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ आप कहाँ जा रहे हैं, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, ये सारे वर्ड्स, व्हाट, व्हेन, वेयर, मीन्स डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क समथिंग, वे हम कुछ बताते हैं, दे आस्क समथिंग, वे हमें कुछ पूछते हैं, दे वॉन्ट इंफॉर्मेशन, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या खा रहे हो, आपको क्या पसंद है, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछे, वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट डू यू लाइक टू प्ले, जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हम क्वेश्चन सेंटेंस भी बोलते हैं। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आस्क अ क्वेश्चन, दे आस्क समथिंग, दे वांट इंफॉर्मेशन, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, ओके। जैसे वो ऊपर वाला तो जो डिक्लेरेटिव था वो किससे खत्म हो रहा था, उसके एंड में हम क्या लगाते थे, एक फुल स्टॉप, इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। द यूजुअल वर्ड ऑर्डर फॉर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज, इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड, मतलब जो डब्ल्यू एच वर्ड है हम क्या पूछना चाह रहे हैं वो, और फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, अभी हमने जो पहले करा था डिक्लेरेटिव वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता था, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए डू यू लाइक कॉफी, डू यू लाइक कॉफी, तो यहाँ पे हमने अभी डब्ल्यू एच करा, बट ये डू है तो ये प्रेजेंट टेंस में है, मैं आपको बताऊंगी बाद में। डू यू लाइक कॉफी, तो ये आपका पॉजिटिव में है। अब नेगेटिव, डोंट यू लाइक कॉफी, क्या तुम कॉफी पसंद नहीं करते, ये इसी में हो गया। Why did you go, पॉजिटिव में हो गया, ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला है। Why didn't you go, आप क्यों नहीं गए, ओके। तो ये इस तरह से सेंटेंस है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, वो हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कल मैं आपको इसके और जो पार्ट्स हैं वो करवाऊंगी, और आपको ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है ओपन द गिवन लिंक एंड डू द एक्सरसाइज। इसके बाद मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगी, आपको उस लिंक पे जाना है और वो लिंक से वहां से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन आंसर आप वहां पे करेंगे और उनको अपनी कॉपीज में करेंगे। ये है आपका आज का होमवर्क, कल हम इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स करेंगे। ओके, थैंक यू।